सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर एक महिला का सोने का चैन छीनने की घटना और रेलवे पुलिस की उदासीनता के खिलाफ राजकीय रेल थाना परिसर में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। ताजा घटना सुल्तानगंज की है, जहां विक्रमशिला एक्सप्रेस से जमालपुर जा रही चंदा देवी नामक महिला के गले से एक झपट मार चोर ने सोने का चैन खींच लिया, जिसके बाद चंदा देवी ने साहस दिखाते हुए चोर का हाथ पकड़ लिया और यात्रियों की मदद से उसे रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई ना होने और सोने का चैन वापस ना मिलने पर चंदा देवी ने रेलवे पुलिस पर सवाल उठाए और थाने में हंगामा किया। पुलिस कर्मियों के उदासीन रवैये से असंतुष्ट चंदा देवी ने जोरदार विरोध किया और न्याय की मांग की। वहीं इस घटना ने रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मैं सुल्तानगंज विक्रमशिला से मैं जा रही थी जमालपुर के लिए, चढ़ते टाइम AC B2 में मेरा चैन एक लड़का खींच लिया। जैसे मेरा खींचा, हम उसका हाथ पकड़ लिए, हाथ नहीं छोड़े, भागने की बहुत कोशिश कर रहा था, फिर पकड़े, फिर वहाँ का आदमी भी हेल्प किया, सब पकड़ के नीचे उतारा, वहाँ ले गए थाना, पुलिस थाना में, पुलिस थाना हम लोग को भागलपुर भेज दिया गया। वहाँ चोर को ला के पकड़ के बैठा हुआ है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बोला जा रहा है क्या सर कि ये आप केस कर दीजिए, फिर वहाँ केस पे आपका सुनवाई। चोर के पास कुछ नहीं मिला सर, वो वहाँ का गैंग रहता है, वो दूसरे आदमी को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ बोला जा रहा है सर आप लिख के दे दीजिए, होगा कार्रवाई। कि बड़े बाबू सुबह से दोपहर से नहीं दिख रहे हैं, सब बोले आ रहे लेकिन अभी तक आए नहीं, नहीं कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है सर। सर मैं जमालपुर में रहती, मैं सुल्तानगंज बैंक आई थी कुछ काम के लिए। भारतीय जनता पार्टी की भागलपुर में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दरअसल इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा के सदस्यता अभियान को बढ़ावा देना और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने की रणनीति पर चर्चा करना था। बैठक में बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंटी यादव, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि पार्टी का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुँचाने और भाजपा सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुँचाने पर है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री का संदेश हर नागरिक तक पहुंचाना और भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी को दिलाना है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच हुई मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल पर प्रेम कुमार ने कहा कि यह केवल एक औपचारिक मुलाकात थी, जिसे ज्यादा कुछ ना निकाला जाए। प्रदेश के स्तर पर फिर से एक बार जो हमारे सदस्य हैं देश के अंदर में, उनको रिन्यूअल कराया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 2 तारीख को सदस्यता अभियान की शुरुआत की, सदस्यता उन्होंने ग्रहण किया जा करके, और यह कार्यक्रम पूरे बिहार में शुरू हो गया है, देश के स्तर पर चल रहा जा करके है। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व जा करके है। इसके तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, समाज से वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में सदस्य थे, अब सदस्य रहे नए सिरे से, सबका एक नवीनीकरण कराने का काम किया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जाकर के, और भारतीय जनता पार्टी यानी चीन में जो वह सत्ताधारी पार्टी थी, उस सदस्य जब 9 करोड़ हुआ करते थे, तो भाजपा के सदस्य 14 करोड़ हुआ करते थे। आज पूरे देश द्वारा 19 करोड़ सदस्य थे, और आगे भी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम संगठन का विस्तार करेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से सपोर्ट कराने के बाद बिहार में लक्ष्य हमारा है 1 करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य हमारा है। डिप्रेशन के कारण एक युवक ने आत्महत्या कर अपने जीवन का अंत कर लिया। दरअसल घटना 29 अगस्त की है, जब हवेली खड़गपुर निवासी अनिल मंडल के पुत्र आजाद मंडल ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके बाद समय रहते परिवार वालों ने उसे देख लिया और दरवाजा तोड़कर गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुँचाया।
लेकिन देर रात मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आजाद के पिता ने बरारी थाने में फर्द बयान कराया है, जिसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता ने बताया कि आजाद डिप्रेशन में था, क्योंकि वह लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हो रहा था और सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने आत्महत्या का कदम उठाया। घटना से परिवार और स्थानीय लोग शोक में डूबे हैं। इसलिए फांसी लगाया, डिप्रेशन में सर आकर के फांसी लगा लिया। फायरमैन में अगला बार रिजल्ट हुआ था, अच्छा, दौड़ भी पास किया, मेरिट नहीं बना, तो बहुत समझाए बुझाए उसमें मान गया। और इस बार भी 18 तारीख को बिहार पुलिस का परीक्षा देकर गया था, अच्छा एग्जाम नहीं गया, अच्छा। इसके वजह से थोड़ा डिप्रेशन में था, हम लोग को पता नहीं चल पाया। और रात में पढ़ लिख रहा था, अपना रूम लगा करके लटक गया। घटना कब हुई थी? घटना 29 तारीख के रात में हुआ। रात में कहाँ हुआ था घटना? घटना अपने घर में हुआ, बैजलपुर में। बैजलपुर कौन थाना क्षेत्र होता है? खड़गपुर थाना, हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र। तो वहाँ मतलब मौके पर ही मौत हो गया था कि इलाज नहीं? हम लोग गए देखने के लिए, कुछ काम से हम लोग जब रूम में गए, उसका दरवाजा खटखटाया, दरवाजा नहीं खोला, तो हम लोगों को शक हुआ। तो हम लोग वेंटिलेटर से सीढ़ी लगा करके वेंटिलेटर से जब अंदर झोंके तो देखे ये लटका हुआ है। अच्छा। तो वेंटिलेटर तोड़ के ही हम लोग अंदर घुस के केवाड़ खोले, फिर उसको नीचे उतारे। उतार के सर आनंद फानंद में जो है कि हम लोग बाइक से सदर अस्पताल, अपना ये सदर अस्पताल बोलते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है ना खड़गपुर में, वहाँ लेकर के गए। अच्छा। वहाँ लेकर के गए तो वहाँ सलाइन कुछ दवाई वगैरह दे करके रेफर कर दिया सदर अस्पताल मुंगेर। तो मुंगेर हम लोग नहीं जा करके, वहाँ इमरजेंसी हॉस्पिटल जो है ना प्राइवेट मुंगेर में, वहाँ गए। वहाँ सर 3 दिन इलाज चला। अच्छा। और 3 दिन के दौरान में सर कोई स्थिति परिस्थिति में इसका सुधार नहीं था। और सर वहाँ थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा था, इसीलिए हम लोग वहाँ से यहाँ मायागंज लेकर के आए। कब आए थे मायागंज सर? एक तारीख को लेकर के आए, शाम में। मौत कब हुई? और 2 तारीख के रात में इसका देहांत हो गया। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस के अवसर पर 5 सितंबर गुरुवार को भागलपुर के जवारीपुर स्थित वृंदावन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन कुशवाहा संगठनों, कुशवाहा की गरिमा, कुशवाहा कल्याण परिषद और सम्राट अशोक जागृति मंच की ओर से किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को लेकर मसाकचक स्थित दृष्टि आई हॉस्पिटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि बिहार के अमर शहीद जगदेव बाबू का 5 सितंबर 1974 को शहादत हुई थी। जगदेव बाबू पिछड़े और दलितों के मसीहा थे और उनका नारा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है आज भी प्रासंगिक है। उन्हें सामाजिक क्रांति के समर्थक और बिहार का लेनिन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें पूर्व सचिव झारखंड विधानसभा और पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुख्य अतिथि महेंद्र प्रसाद होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सीनियर प्रशासनिक अधिकारी और संयोजक कुशवाहा की गरिमा बिहार प्रदेश मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कुशवाहा समाज के लोगों से कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील की। वहीं शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह चौक से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। जगदेव बाबू के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। उनका जो कहना था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो आज पूरी तरह से लागू नहीं है। जैसे आरक्षण का सवाल है संविधान में, जातीय जनगणना का जो सवाल है, अभी जातीय जनगणना हुई मगर उसको केंद्र सरकार के द्वारा लागू नहीं किया जा रहा है, ताकि जो हमारी जो भूमिका है, हमारी जो क्षमता है, उसको हम पालन कर सके। हम मौर्य वंश के सम्राट अशोक के वंशज हैं, उनका शासन पूरा विश्व का अगर 5200 वर्ग किलोमीटर था तो करीब उसका आधा पर उनकी राज थी, और सैकड़ों विश्वविद्यालय थे उनके राज्य में और हजारों स्कूल थे। जैसे देख लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला था, विक्रमशिला था, एक उड़ीसा में था, और भी कई एक विश्वविद्यालय। आज तो विभिन्न विदेशों में विश्वविद्यालय हुए हैं, मगर उस समय शिक्षा का पूरा क्षेत्र था बिहार, भारत, और वहां पर उसके जो दरवान होते थे उनसे शास्त्रार्थ करने के बाद ही वहां पर एडमिशन लिया जाता था।
तो ऐसी स्थिति थी हमारी शिक्षा की जिसको नष्ट किया जा रहा है और समाप्त करने की साजिश हो रही है, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल यह निरीक्षण आगामी 6 सितंबर को होने वाले उद्घाटन कार्यक्रम के मद्देनजर किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। इस मौके पर अस्पताल के अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी सदर भी मौजूद थे। भागलपुर जिलाधिकारी और नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवोदय विद्यालय नारायणपुर का भ्रमण एवं निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वर्ष 2025 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लक्ष्य 12,730 को पूरा करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। डीएम ने नवोदय विद्यालय के मध्य से रास्ता उपयोग करने के संबंध में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बुनियादी विद्यालय के वैकल्पिक रास्ते का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं प्राचार्य रोशन कम्बोज द्वारा बिजली संबंधी समस्या उठाने पर जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को एक सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान करने और 100 केवीए की जगह 200 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश दिया। इसके अलावा बच्चों के लिए अस्थायी शेड के निर्माण हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी नारायणपुर को स्थानीय विधायक से संपर्क कर उनकी निधि का उपयोग करने के लिए निर्देश दिया गया, जबकि बच्चों के पेयजल की सुविधा के लिए पीएचडी अभियंता को विशेष जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्राप्त करने और नजदीकी नल जल योजना से जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। वहीं सिविल सर्जन को विद्यालय में सभी बच्चों का चिकित्सा जांच करवाने का निर्देश दिया। साथ ही विद्यालय में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए सोलर लाइट सिस्टम और सोलर वाटर हीटर संस्थापित करने के लिए ब्रेडा से संपर्क करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय के लॉ लैंड एरिया में मिट्टी भराई के निर्देश दिए और गीले कचरे के लिए मेस के पीछे एक सेप्टिक टैंक बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विद्यालय के बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग और मूर्ति कला का निरीक्षण किया और बच्चों की बैंड पार्टी ने बैंड के साथ उनका और समिति के सदस्यों का स्वागत किया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी नवगछिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, पीएचडी और भवन निर्माण विभाग के अभियंता और स्थानीय मुखिया मौजूद थे।